धीराज पुन्हा एकदा वळतोय षटकात पुढील चेंडू. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळून काढला चांगला फटका आपण पाहतोय आणि तेवढंच सुरेख क्षेत्ररक्षण पंकजाच्या माध्यमातून एक धाव पूर्ण. तर आपण मागच्या चेंडूवर पाहिला काही एक धाव आली त्या दरम्यान मात्र सुवास इलेव्हन या संघासाठी नारपलीवरनं चेतन गरुड यांच्याकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत. खूप खूप धन्यवाद चेतन गरुड. तर आपण गोलंदाजा धीरज आला पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर षटक क्रमांक तिसरा हाताळतोय. आतापर्यंत आपण या षटकाचा विचार केला तर सहा धावा खर्च केल्यात गोलंदाज धीरजाने. धीरज बोलतोय षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस मिस टाइम झालाय चेंडू या संघाचा. यस इस वक्त थोड़ी थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई शकील कबाटवाला फैन टीम एचएसई स्पोर्ट्स की. बल्ले के बीचों बीच नहीं थी गेंद ऊपरी हिस्से से लगकर शॉर्ट कवर में हवाओं में ले. तर धावसंख्या जर पाहिली तर धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 27 लॉस ऑफ 4 विकेट 27 धावा 4 गडी बाद झाले आहेत याच्या स्फोट या संघाचे. नवीन फलंदाज अक्षय येतोय. अक्षय आतापर्यंत आपण या संपूर्ण स्पर्धेचा विचार केला तर अतिशय सुरेख फलंदाजी अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय अक्षयच्या माध्यमातून. आणि तोच अक्षय पुन्हा एकदा खेळपट्टीवर आलेला आहे शेवटच्या सामन्यामध्ये. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. धीरज बोलतोय षटका तिला पुढील चेंडू. यावेळेस सुरेख फटका चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून एकदम दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव देखील पूर्ण झालेला आहे. यस कोशिश अच्छी की थी वहां पर मोनिशने लेकिन दोनों पैरों के बीच में गेंद गिरी थी यही कारण था कि कैच को अंजाम नहीं दे पाए. लेकिन अच्छी वहां पर कोशिश कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए दो रन बचाते हुए. क्विकली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहिला बंटी आणि अक्षय. दोन धावा पूर्ण झाल्या धावसंख्या दोन ने पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावर 29-29 झालेला आहे. धीरज यावेळेस खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये दाखवतोय गोलंदाज धीरज. कोणत्याही प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर आतापर्यंत. पल्ला भारी पडतोय शिवास इलेव्हन या संघाचा. हमारे साथ इस वक्त वसीम भाई जुड़ चुके हैं. आपका दिल की गहराइयों से हम स्वागत कर रहे हैं. आपको वीआईपी पर आना है. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहतोय शिवास इलेव्हन या संघाकडनं. यावेळेस फुलटो चेंडू दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की बंटी नकार देतोय. एकच धाव एका धावेवर समाधान आणि तिसऱ्या षटकाची समाप्ती. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र धावसंख्या धावफलकावर जर पाहिली तर ती म्हणजे 30. आपण पहिलं षटक पाहिलं होतं 7 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर दुसरं षटक पाहिलं त्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र आपण तिसरं षटक पाहिलं त्या षटकामध्ये 9 धावा आल्या. आणि त्याच्या जोरावर आपण पाहतोय की 10.00 सरासरीने आतापर्यंत चालतोय याच्या स्फोटा संघ. आपण टेनिस क्रिकेट पाहतोय टेनिस क्रिकेटमध्ये 10 सरासरी एक चांगली सरासरी मानली जाते आणि ती सरासरी या ठिकाणी आपण प्राप्त झालेली पाहतोय याच्या स्फोट या संघाला. कारण कमी षटकांचे सामने आणि या कमी षटकांच्या सामन्यामध्ये नक्कीच चांगली सुरुवात म्हणता येईल याच्या स्फोट या संघाची. इस वक्त ग्राउंड पर अजान की सदाएं गूंज रही है इसलिए हम 5 मिनट के लिए कमेंट्री को ऑफ कर रहे हैं.
30 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 2 ओवर का आना बाकी है। यस, मैच की एक बार फिर से शुरुआत। गेंद को जाने दिया, ऑफ स्टंप की काफी बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस वक्त वराल देवी से, वराल देवी के कैप्टन भाविक बजागे, भावेश बजागे और हर्षल ने पूरी एचएस स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है, स्पेशली शकील भाई कबाटवाला को। नक्की जाना त्या दरम्यान शिवांश इलेवन या संघासाठी देखील शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय। जो नांदुर्गी संघाचा एक स्फोटक फलंदाज संदीप पाटील यांच्याकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद संदीप पाटील। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पहुंची थी फाइन में, एक ही रन पूरा किया। इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स के दिलशाद ने एचएसी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। हालांकि भावेश बजागे ने पूरी हमीद स्पोर्ट्स क्लब ताजीन ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। नक्की जिप्तेकर त्या दरम्यान उद्योगपति चाविंद्र गिरीश पाटील आणि अमित स्पोर्ट सावंदे या संघाकडनं एचएस स्पोर्ट संघातील एक उत्कृष्ट गोलंदाज चेतन यासाठी शुभेच्छा आलेले आहेत। खूप खूप धन्यवाद गिरीश पाटील। शिवा सिलेवन को इस वक्त अजहर की तरफ से ऑल द बेस्ट आया है और अशोक वर्मा की तरफ से शिवा सिलेवन को ऑल द बेस्ट कहा गया है, लेकिन मैच अभी कहीं नहीं है। एक बार फिर इस मरतबा अच्छी गेंद, गेंद को हॉफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया था डीप एक्स्ट्रा कवर में, दूसरे के लिए पलटे बैट्समैन। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट दो पूरे किए दोनों बैट्समैन ने। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ भिवंडी की एक मशहूर शख्सियत जुड़ी है, हमीद शेख साहब, अवेश भाई, रियल स्पोर्ट्स के कैप्टन वसीम भाई, शब्बीर भाई, ऊंची ऊंची शख्सियत इस वक्त वीआईपी की शोभा को बढ़ा रही है। लेकिन ग्राउंड की दो शोभा शकील कोटी और फारूक बर्डी सर। अच्छी गेंद, एक झटका लगता हुआ टोटल स्कोर है इस वक्त 35 रन 5 ओवर का मुकाबला। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर
एचएसी स्पोर्ट्स को इस वक्त सोहेल मेमन की तरफ से ऑल द बेस्ट कहा गया। पांचवा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं मोनिश। ये ओवर बहुत कीमती है दोनों टीमों के लिए। यहां से जितने रन आएंगे उतनी मुश्किलें खड़ी होगी सिवाश इलेवन की। बट क्यों एक और एक अलग अंदाज, उंगलियां घूमती रह गई और उसके बाद खिलाड़ी प्रसिद्ध है तो फटका बन पाला। हमीद शेख के लिए इतना ही कहूंगा, किसने कहा से अनजान बन के आया करो, दिल के आईने में मेहमान बन के आया करो। और एक आदमी तो करते डाइसिंग और डायनामाइट पर्सनालिटी। मोनिश एक बार फिर पहली गेंद पर उनका स्वागत तो अच्छा हुआ है। इस मर्तबा अच्छी वापसी, हॉफ वॉली पर लेके गेंद को ड्राइव किया खड़ा। ताजिन ट्रॉफी 2018 का मेगा फिनाले आप देख रहे हैं। शिवास इलेवन शकील का इस बीच अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, सिर्फ अपनी विकेट को बचाया, दूसरे के लिए जाना जरूर चाहते थे, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदम को वापस खींचा सेफ अपनी विकेट में। अवे संसारी मुमताज इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े, वीआईपी की सुबह को बढ़ा रहे हैं। टोटल स्कोर है इस वक्त 44, 44 रन शकील कबाट वाला फैन टीम एचएसी स्पोर्ट्स। इस बीच फुलटॉस हमारे साथ काशिफ मोमिन जी भी जुड़े, हम उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं ताजिन ट्रॉफी 2018 में। श्रृंखला कितनी अच्छी क्यों ना हो, टूर्नामेंट कितने ही बड़े हो, लेकिन अंपायर को आप नहीं भूल सकते। अंपायर एक ऐसी जान होती है टूर्नामेंट को हिट करती है, उनमें ही एक होते हैं फारूक बड़ी सर, शाहिदीन सर और रमीज रईस सर। ये चार अंपायर इस वक्त बीच मैदान में इसको टोटल 50 हो चुके हैं। बट क्यों ही गेंद रुकी लोग कहते हैं है कि मैच किस कट बैठता है, लोग कहते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन दुनिया में वाहिद जो किसी का सीधा टोटल स्कोर है इस वक्त 50 रन, अर्धशतक हो चुके हैं चेस स्पोर्ट के। ये देखिए रियाज कुरैशी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए, शौकत भी है इस मर्तबा गेंद को।
आइए दोस्तों हम इस वक्त सम्मान सत्कार प्रोग्राम की तरफ बढ़। सबसे पहले डाइसिंग और डायनामाइक पर्सनालिटी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है, हमीद शेख साहब। हम उनकी इज्जत अफजाई हौसला अफजाई करने उसके बाद हम हमारे बीच में मौजूद हैं। अजान की सदाएं गूंज रही है, इसलिए हम अजान के बाद सम्मान और सत्कार प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि अवेश अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए मेगा फिनाले की दूसरी इनिंग की शुरुआत। 51 का लक्ष्य है और इस वक्त मेरा साथ दे रहे साथी कमेंटेटर संदेश वखारे। मेरी आवाज मेरी पहचान मैच की शुरुआत संदेश वखारे के साथ। खूप खूप धन्यवाद इप्तिकार अंसारी। तर आपण या ठिकाणी एक शेवटचा सामना पाहतो या स्पर्धेतील। 50 आहे 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर एचएस फोर्ट या संघाची 51 धावांचा पाहूया कशा प्रकारे करतोय। तर सलामीची जोडी आपण पाहतोय खेळपट्टीवर दाखल झालेला आहे विकी आणि कल्पेश। तर गोलंदाजा याच्या स्पोर्ट या संघाचा फ्रंट लाईन गोलंदाज पहिल्या
अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत फैसलच्या माध्यमातून आपण पाहिलेला आहे, मात्र या सामन्यामध्ये पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय फैसल। मात्र जर एखादा गोलंदाजा विकेट हॅट्रिक साजरी करतोय तर रोख रक्कम 500 रुपयाचा पारितोषिक दिलं जाईल सुमित सोनार याच्याकडनं। त्याचबरोबर फलंदाजास देखील सुवर्ण संधी आहे की जर एखादा फलंदाजा षटकारांची हॅट्रिक साजरी करतोय तर त्याला देखील रोख रक्कम 500 रुपयाचा पारितोषिक दिलं जाईल सुमित सोनार याच्या ATM मधून। यावेळेस बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेलाय, एक धाव पूर्ण। तर नक्कीच गोलंदाज असो किंवा फलंदाजा हॅट्रिक महत्वाची आहे आणि त्या हॅट्रिकवर सुमित सोनार यांच्या ATM मधून रोख रक्कम 500 रुपयाचा पारितोषिक दिलं जाईल। मित्र आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की 1969 मध्ये जॉर्ज शिफर्ड यांच्या माध्यमातून इंग्लंडमध्ये पहिला ATM लागला होता। तर फैसल हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालाय। कल्पेश वैयक्तिक पहिल्या चेंडूचा सामना करेल। यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न परिपूर्ण भेट होतो त्या ठिकाणी फलंदाज कल्पेश, बॅटने बहुत काही संपर्क नाहीये, चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय, कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर। मात्र एक महत्वाचा सामना आपण खेळत आहोत आणि या महत्वाच्या सामन्यामध्ये निर्धाव चेंडू नक्कीच संघासाठी घातक ठरू शकते। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहिला, काऊ कॉर्नर सीमारेषेबाहेर षटकार झाला होता। या षटकाराच्या मदतीने आपण पहिलं षटक पाहतोय, गोलंदाज फैसल याच्या माध्यमातून हे षटक फेकलं जातंय। षटकातील काही चेंडू शेष आहेत, फैसल पुन्हा एकदा वळतोय कल्पेशसाठी। यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता परंतु परिपूर्ण बीट होतोय फलंदाज इफ्तिकार, पुन्हा एकदा षटका ठोकण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज कल्पेशचा, मात्र एव्हरी डे इज नॉट अ संडे, प्रत्येक वार हा रविवार नसतो। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हमारे मुख्य अतिथि शबीर शेख साहब, हम उनका सम्मान और सत्कार करने जा रहे हैं। कमेटी मेंबर शौकत के हाथों से जिनके नाम हैट्रिक बाउंड्री लगाने का हमीद स्पोर्ट्स के उनके हाथों से एक याद गुलाय मोहब्बत और एक खूबसूरत शॉट
शौकत वो बैट्समैन है जो तीसरे नंबर बने थे हैट्रिक बाउंड्री लगाने वाले। इस बीच हमारे बीच में मौजूद है मुमताज इंटरप्राइजेस के एक वेगवान गोलंदाजाकडे परफेक्ट यॉर्कर असणं फार आवश्यक असतंय आणि ते या ठिकाणी आपल्याला दिसून आलेलं आहे। षटकातील पहिल्या चेंडूवर तर जी आवश्यक धावगती आहे ती मात्र या ठिकाणी प्राप्त झालेली नाही अजूनपर्यंत सुवास इलेव्हन या संघासाठी। अक्षय बोलतोय यावेळेस आपला स्टेप मध्ये चुकतोय। तर आपण एच एस स्पोर्ट शकील भाई कबाडवाला फॅन टीम ही संघ या ठिकाणी पाहतोय। त्याचबरोबर शिवशंकर ज्यूस सेंटर चे प्रोप्रायटर राहुल गुप्ता यांचा हा संघ सुवास इलेव्हन यावेळेस वखारे मोनिश का आना बाकी है। मोनिश का क्लास लिया था अपने बदन पर और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला या फटक्यांच्या आणि ज्या फटक्यांसाठी हा खेळाडू प्रसिद्ध आहे तो फटका मात्र आपण पाहतोय विकी याच्या बॅटमधून षटकार होतो। षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या जर पाहिली तर 15 आपण एक षटकार पाहिला होता कल्पेशच्या बॅटमधून तर एक षटकार विकी याच्या बॅटमधून आलाय आणि ही एक चांगली बाब की कोणत्याही प्रकारचा गडी बाद झालेला नाहीये सुवास इलेव्हन या संघाचा। अक्षय पुन्हा एकदा बोलतोय षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस मात्र एक अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क नाहीये। यस चेंज ऑफ पेस किया था और अत्री तुछालता गेंद सीधा विकेट कीपर संदेश पवार के पास पहुंची थी। वेगा परिवर्तन करून टाकलेला हा चेंडू ताकदीचा नव्हे तर युक्तीचा वापर या चेंडू मागे आपण पाहिला। अक्षय या गोलंदाजाच्या माध्यमातून अक्षय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतोय। फेमस आशा पाटील स्टँड टोकाकडनं बोलतोय पंचांच्या उजव्या बाजूने जवळ जवळ 12 ते 15 बॉलांचा रनअप यावेळेस त्रिपालाची फलंदाज। यस एक और विकेट इस वक्त सुवास इलेवन का सॉरी पहला झटका लगा इस वक्त सुवास को और एक बड़ा झटका मैं समझता हूँ अच्छे बैट्समैन थे वहां पर विकी देखना ये उनकी जगह लेने न्यू बैट्समैन कौन आते। नक्कीच एक वेगवान चेंडू होता आणि त्या वेगवान चेंडूच्या मार्फत यष्टी उडवली गेली विकी या फलंदाजाची। नवीन फलंदाज मोनिश येतोय मोनिश मात्र एक स्फोटक फलंदाज मानलोय मानला जातोय आणि आता मात्र पूर्ण मदार संघाची मोनिश या फलंदाजावर असेल। पाहूया या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय मोनिश मात्र धावसंख्या स्थिर आहे ती 15। पहिला गडी बाद झाला विकी विकी आणि 7 धावांचे योगदान दिलं आपल्या संघासाठी त्यामध्ये एक षटकाराचा समावेश होता। धावसंख्या 15-15 लॉस ऑफ 1 विकेट सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस। अक्षय तर वैयक्तिक पहिल्या चेंडूचा सामना करेल फलंदाज मोनिश डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय स्ट्राईक एंडला
पहला चेंडू मोनिशा यावेळेस चेंडूवर अतिशय सुरेख फटका पाहिला आपण. पहिल्या चेंडूवर वैयक्तिक खाते ओपन करतो मोनिश या चौकाराच्या मदतीने. अतिशय सुरेख फलंदाजीचा प्रदर्शन. आपण षटक क्रमांक दुसरा पाहतोय. काही चेंडू शेष आहेत. आपण या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये एक षटकार एक चौकार पाहायला मिळाला. एकंदरीत 10 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज अक्षयने. आपण पहिलं षटक पाहिलं होतं फैसल या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. त्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या होत्या. मात्र या षटकामध्ये काही चेंडू शेष आहेत. 10 धावा खर्च केलेल्या आहेत. एकूण धाव संख्या जर पाहिली तर ती म्हणजे 29. तर आपण या ठिकाणी तासिम ट्रॉफी 2018 या स्पर्धेतील शेवटचा सामना पाहतोय. या स्पर्धेचा विचार केला तर अमित स्पोर्ट अपरा डिओ आणि मुमताज एंटरप्राइजेस यांच्या माध्यमातून केलेले हे आयोजन नियोजन आपण पाहतोय. अतिशय सुरेख आयोजन नियोजन होतं. मात्र आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत. शेवटचा सामना पाहतोय. अक्षय गोलंदाज वळतोय. यावेळेस एक खराब चेंडू आपण पाहिला. मात्र एक चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज धावतीच्या स्वरूपात बाद होतोय. या चेंडूचा विचार केला तर व्हाईट चेंडू होता आणि यष्टरक्षक संदेश पवार त्या ठिकाणी बीट झाला होता. त्या दरम्यान फलंदाज एक चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात कल्पेश हा बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज आकाश येतो खेळपट्टीवर. मात्र आकाश या फलंदाजाच्या माध्यमातून नक्कीच संघाच्या संघ नायकाला अपेक्षा असतील की आकाश फटके पाहायला मिळावेत. तर पाहूया ते आकाश फटके पेश करतोय का. ज्या प्रकारे आपण बंटी याच्या बॅट मधून पाहिले होते. तर अक्षय षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस आपल्या स्टेप मध्ये चुकतोय अक्षय गोलंदाज. धावसंख्या जरा पाहिली तर ती म्हणजे 20. अजूनही 31 धावांची आवश्यकता आहे या चषकावर नाव कोरण्यासाठी. शिवास इलेवन या संघाला. आपण शिवास इलेवन हा संघ पाहतोय. शिवशंकर ज्यूस सेंटर चे प्रोप्रायटर राहुल गुप्ता यांचा हा संघ. यावेळेस सुरेख चेंडू वेग परिवर्तन करून टाकलेला. चेंडू बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नव्हता. चेंडू मात्र निर्धाव गेला. तर धावफलकावर 20. अजूनही 3 षटकांचा खेळ शेष आहे आणि या 3 षटकामध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. तर उर्वरित 3 षटकामध्ये पाहू. यस, बहुत बहुत शुक्रिया संदेश वखारी. इस वक्त हम सम्मान सत्कार करने जा रहे हैं. हमारी अठारह गेंदों में जीतने के लिए 31 चाहिए. मैच अभी कहीं नहीं गया है. मैच 50-50 पर है और इस टाइप पर है. बैक टू बैक 3 मर्तबा मैन ऑफ द मैच सामना करेंगे.
चेतन मोनिश के लिए। पहली के पटकी हुई गेंद थी, सफल हुए और बहुत खूबसूरत खेला था सिक्सर के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचाए 26 पर, दो विकेट के नुकसान पर शिवाज से 11। अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही है शकील का। ताजिन ट्रॉफी 2018 का मेगा फिनाले आप देख रहे हैं, मुमताज इंटर एक बार फिर सामना करेंगे बैट्समैन चेतन, सॉरी मोनिश चेतन का। एक अगर हैट्रिक सिक्सर और दो टूर्नामेंट हुए, दो एक नया चैंपियन हमारे बीच में इस वक्त मयूर पाटिल जोड़ रहे। आपको वीआईपी डाइस पर आना है मयूर पाटिल। स्कोर इस वक्त 32 रन। कहते हैं ना, एक बैट्समैन अगर आपका चल जाए तो आपकी टीम चल जाती है, वही हाल है शिवास का। मोनिश चल रहे इस मरतबा, हालांकि जब सफल हुए थे मोनिश तब सुमित सोनार का हार्ट बहुत तेज चला था, लेकिन बड़ा विकेट बड़ी मछली जाल में फंसी है। यस, एक बड़ी विकेट, जिस विकेट के लिए संदेश पवार को आगे रखा था ना, वो विकेट मिल चुका है। अब स्ट्राइक पर है बैट्समैन चेतन और गेंदबाजी कर रही चेतन, यानी लोहे को लोहा काटता है। देखना यहाँ पर दो चेतन, आउट होने के बाद प्रेशर जरूर आया होगा शिवा से 11 पर, लेकिन मुकाबले वही जीतता है जो प्रेशर को हैंडल करता है। समय के लिए प्लीज कॉपरेट करना है मुन्ना।
आप फील्ड कितना भी चेंज कीजिए लेकिन तेज वक्त और अभी भी इसके बाद भी दो अंक का खेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन चेतन गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन अच्छी गेंद हॉफ वॉली पे लेके गेंद को ड्राइव किया सिंगल पूरा कलेक्ट नहीं टोटल स्कोर हो चुके हैं इस वक्त 35 रन 16 की और जरूरत है मेगा फिनाले हमारे बीच लारेब इंटरनेशनल अतर पहुंच चुके मुमताज इंटरप्राइजेस की देन जिसे लगाकर आप महक सकते हैं और दूसरों को महका सकते हैं जिस तरह आग की भट्टी के पास आप बैठेंगे धुआं लगता है इसी तरह लारेब के साथ बैठेंगे तो आपको खुशबू तो आनी है चेतन इस मर्तबा गेंद को यस नाप पर जिस तरह सिर्फ प्लेस पवेलियन के नीचे जो बच्चे खड़े उन्हें वहां से प्लेस पवेलियन के नीचे जो इस बीच चेंज ऑफ पेस दो ओवर में 10 रन बची हुई 12 गेंदों में हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं कि जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए एचएस जिस अंदाज में गेंदबाजी करती थी वो अंदाज और वो धार नजर नहीं आ रही है इक्कीस रन खर्च किए चेतन ने जिस जिम्मेदारी के लिए भेजा था उसको बखूबी अंजाम नहीं दे पाए हालांकि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच 1952 में खेला था इंग्लैंड में सीके नायडू की कप्तानी में और हिंदुस्तान के लिए पहला विकेट लेने का श्रेय मोहम्मद निसार के नाम और पहली गेंद करने का श्रेय भी उनके नाम है एक वक्त तक भारत तेज गेंदबाजों के लिए तरसता था लेकिन भारत को इतना ऊपर अगर किसी ने पहुंचाया तो वो तेज गेंदबाज ही थे और पाक के खिलाफ अपना पहला मैच
1972 में खेला गया था। सामना कर रहे हैं बैट्समैन चेतन, गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अक्षय, जिनके नाम दो मेडल वाले इस श्रृंखला में। अक्षय की पहली गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से गुजरी थी डॉट की शक्ल में। मैच कहीं नहीं है, मैच अभी भी फंसा है क्योंकि 12 गेंदों में 12 जब चाहिए थे तब अलफतेह गेंदबाजी कर। अक्षय बड़ी जिम्मेदारी आज, इस मर्तबा गेंद को यह सब मैच धीरे धीरे इस वक्त गर्म पानी की तरफ बढ़ रहा है। अगर एक से दो सफलता और मिलती है एचएस को बैक टू बैक, तब एचएस मुकाबले में बनी रहेगी, या फिर दो से तीन गेंदें डॉट हो। लेकिन अक्षय करने की ताकत तो रखते हैं। स्ट्राइक पर है आकाश, चेंज ऑफ पेस, केवल कलाइयों का इस्तेमाल। अब कितनी गेंदें बची हैं? 9 गेंदें और जीतने के लिए 9 रन, हर गेंद पर एक चाहिए। अगर मैच आखिरी ओवर में गया ना तब तो ये ट्रॉफी सुपर डुपर हिट हो जाएगी, वैसे भी हिट है। मुमताज इंटरप्राइजेस की देन, अवेश अंसारी की देन। अच्छी गेंद, नितिन जाधव ने इस वक्त सिवास 11 को ऑल द बेस्ट कहा है। कुछ भी हो सकता है, आसमान पूरी तरह। अच्छी गेंद, अब धीरे धीरे वर्मा आप में सुपर डुपर ही ट्रॉफी ताजी ट्रॉफी। अब चेंज ऑफ पे लेकिन देखना
ईगल स्पोर्ट्स को इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है, ईगल स्पोर्ट्स की तरफ से एचएस को ऑल द बेस्ट कहा गया है। यस, जब पानी गर्म होता है और कोई तिल मिला जाता है। अब जिस तरह से रेगिस्तान गरम पानी में अंपायर भी गरम, मुस्कुराता हुआ चेहरा शकील कोटी, मुस्कुराता हुआ शाहिद की तरफ से इस वक्त एचएस को ऑल द बेस्ट आता हुआ। हालांकि मुकाबला 6 गेंदें 6 मैच मेगा फिनाल छे पहली पटकी हुई गेंद लाइव टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज टेक्निकल टीम आपको के लाइव टेलीकास्ट बहुत कम ऐसा है। 5 गेंदों में 5 रन है, अपनी जिंदगी की 5 कीमती गेंदें करेंगे गेंदबाज मोहन। पटकी हुई गेंद दो अब 4 गेंदें जीतने के लिए 3 चेसिंग कंपलसरी है। मेगा चार 3 दिल की धड़कने तेज स्मरता बाढ़ रहा है। अमरेला फील्ड की तैयार ग्राउंड तीन दो ड्राइव किया दूसरे के अभी मैं खत्म
दो गेंद और मुन्ना के पैरों में इस वक्त टीम के कैप्टन के यस अब तो इन्हें जरूरत पड़ी लेकिन दो गेंदों में लेकिन जिसकी किस्मत होगी ना वो मुकाबले जीतेगा चाहे आखिरी गेंद दो एक प्रेशर 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 इत्तेफाक दो एक अबे सुपर हिट मेगा यस फारूक सर कुछ वक्त के लिए गर्म हो गए थे बचपन हमारे बेस्ट अंपायर यस
आइए हम इस वक्त इनामात की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सम्मान और सत्कार करेंगे उन शख्सियत का कि अगर वो ना होते तो टूर्नामेंट इतना इसलिए यस अबरार आइए दोस्तों, अब उस अंपायर को यस एक बेहतरीन अबरार भाई क्या उसके बाद पारी आती है जिलों ने 41 साल उस अंपायर का अब एक ऐसी शख्सियत जो अंपायरिंग जिन्हें एक खूबसूरत यस अब आइए दोस्तों, भिवंडी सिटी में मराठी जिनके बगैर तो आइए दोस्तों उनका सम्मान और सत्कार एक किया
अब कौन है? आइए दोस्तों, गोल्डन जी हाँ, अब इफ्तिखार अंसारी का हम सम्मान और सत्कार करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले मेगा फिनाले शिवा सिया तो उसी ना के सबसे पहले हम सेमी फाइनल उसके बाद सेमी फाइनलिस्ट हम पहले उस सही जवाब तो कुछ इनाम यस दो खिलाड़ी इस गेंद आइए दोस्तों अब लो और उस गेंदबाज मुन्ना बहुत खुश है, लग नहीं रहा है कि मेगा फिनाले
अनुमान स्पोर्ट्स बेस्ट बॉलर उसके बाद बेस्ट प्लेयर दो खिलाड़ी एक थे जॉली उसके बाद अब मैं शब्बीर शेख साहब और कैश प्राइज यस रनर अप की ट्रॉफी एचएससी स्पोर्ट्स ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुन्ना 35 साल के नाच रहे बस आज का शेड्यूल यस नंबर वन उनका नाम यस अवे बहुत बहुत शुक्रिया हम आपसे विदा ले रहे हैं इस उम्मीदी स्कीम के साथ कि 29 और एक दो
यस एक बड़ी चीज Well.